अब हम जो है डे 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी डे 2 और डे 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखें। हम सारे क्लिक इकट्ठे हो गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। मालम जब्बा आके रुके थे हम डे 2 में, गैबिन जब्बा, बेहतरीन टूर रहा था हमारा वकास, ऐसा ही बड़ा बेहतरीन रहा था। ये वकास भाई हैं, आज हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हम लोग वैसे तो आप लोगों को बताएं तो दिखा सकूं तो वो आपको पीसी नजर आ रहा होगा पीछे, वहां पर हम लोगों ने जाना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी शायद ज्यादा होगा। तो आप लोगों के साथ चलते हैं और आज डे 3 का गाज हम मालम जब्बा में करेंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, चेयर लिफ्ट लेंगे, जिपलाइन लेंगे और जहाँ पे वहाँ पे सिक्की रिजोर्ट जो है उसको देखेंगे। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम लोग और आज 28 तारीख है ऑलमोस्ट। तो जो लोग प्लान करें हम आपको दिखाते हैं जाके कि ऊपर क्या हिसाब किताब है और कितने की चेयर लिफ्ट है, सारी जिपलाइन की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर डे 2 और डे 1 नहीं देखा तो वो भी जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंजॉय करना तो हमारे इस प्लान के ऊपर आप चलें, काफी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो जी चलते हैं आगे और फिर आप देखते रहिए। जी अब हम पहुंच गए मालम जब्बा और मालम जब्बा में ये अब लोग हम लोग पहुंचे हैं। ऑलमोस्ट 9:15 का टाइम है और 10:30 बजे ये स्टार्ट होती है। और जिपलाइन की इन्होंने बताई है जो प्राइस वो 3,000 है और चेयर लिफ्ट की 1,000 है। और ये वहाँ अगर आपको पीछे टॉप नज़र आ रहा हो वहाँ से चलती है और ये नीचे अगर हम जाएँ तो नीचे से है चेयर लिफ्ट और जिपलाइन जो है यहाँ से आके पीसी के ऊपर जाके स्टॉप करती है। तो जिपलाइन बंद है लेकिन हम देखते हैं कि आज ये कैसा रहता है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बता दी है कि टिकट की क्या है, बाकी आप लोग आगे देखते रहे कि क्या बनता है। तो प्लान कुछ ऐसे हुआ कि सर अब हम लोग जिपलाइन क्योंकि आज क्लोज है और जो ये चेयर लिफ्ट है वो भी 10:30-11 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो प्लान कुछ ऐसा तब्दील हुआ है आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हम लोग चेयर लिफ्ट लेते हैं या आगे का कोई प्लान करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं इन तो ये चेयर लिफ्ट 1,000 प्राइस है और अगर आप लोगों ने पत्राटा की लिया तो वो बहुत 800 प्राइस थी मैंने जब पिछले साल ली और वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। मुझे इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि एक ही पहाड़ ऊपर तक जाकर और फिर वापस और उसका 1,000 और उसके बाद जिप लाइन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो भी क्लोज है अगर और 10:30 बजे ये चलनी है और अगर आप लोगों को बर्फ़ नज़र आ रही हो तो कुछ भी नहीं है। सिक्की रिजोर्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया था लेकिन वो बर्फ़ नहीं है तो इसके लिए फ़ायदा नहीं है। तो हमारे लोग जो हैं डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चलें आगे की तरफ और अपना लाहौर की तरफ सफ़र को जो गामजन करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आप लोगों के साथ खाने शेयर किए जाएंगे, जो जो हम लोग नाश्ते में खाएंगे और दोपहर जो रात में खाएंगे और जो भी साथ एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आपको बताएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ पर पीसी है जी और इसकी वैसे टिकट है उन्होंने बताया कि अगर आपने देखना हो इन तो वैसे बाकी आप लोग ये देख सकते हैं कि मालम जब्बा का इस टाइम पर 28 तारीख को क्या हाल है। इस टाइम जी हम लोग मंगोरा में रुके हैं, यहाँ पर एक जायका रेस्टोरेंट है जिसको ट्राई करते हैं नाश्ते के लिए तो फिर आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर कैसा माहौल रहता है। ये अंडा देखें जी, ये 2 वाला ऑमलेट है और आप ये इसको देख के हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना है। ये 2 का बना है और पराठे का साइज भी छोटा है, मोटा सारा पराठा है, पूरी ब्रेड है और यही देख लें। अच्छा बना है पराठा, आपको लग रहा है कि अंदर से सही
जी देखते हैं आगे। फरहान भाई चने टेस्ट करके बताएं। लेकिन पराठा मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ। लेकिन नरम लग रहा है, वो कल वाले दो नमक ज्यादा। ओके चले जी, ये आप लोगों ने देख लिया कि उन्होंने अंडा और पराठे को बड़ा अच्छा कहा, लेकिन वो कह रहे हैं चने में नमक थोड़ा ज्यादा है, नॉट रिकमेंडेड बाय फरहान भाई। सो आप लोग आगे देख लें, अगर आपको नमक पसंद है तो आप लोग इसको कर सकते हैं टेस्ट और ट्राई कर सकते हैं, बाकी आपको बाद में बताते हैं क्या हिसाब किताब रहा। ये जी ब्रदर अब हमें एक मेरी रोटियां लगा के देंगे बड़ी बेहतरीन सी करके, इनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे देखते हैं कैसी रहती है जी रोटी, चार लगा दें फिर देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी ब्रदर आपका नाम क्या है सर? साकिब भाई हैं जी ये, और ये यहाँ पर काम करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमारे लिए आके स्पेशल लगाने के लिए बैठे, वरना तो तंदूर का टाइम शायद डिफरेंट है ना सर। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग यहाँ पर जायका रेस्टोरेंट में रुके थे मंगोरा में, अगर आप ये कहें कि इनका खाना तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप लोगों को पसंद आए, थोड़ी प्रेजेंटेशन नज़र आए तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा सा वैसे क्रोकरी बेहतर थी बाकी जितने रेस्टोरेंट में हम ठहरे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि खाने के टेस्ट के बारे में, और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, बाकी कोई इतना खास टेस्ट नहीं था, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग अगर आ रहे हो तो प्लीज़ दूसरा रेस्टोरेंट आप कर सकते हैं, मैं इस रेस्टोरेंट को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो व्यूअर्स आज का दिन बहुत ज़्यादा कुछ लंबा नहीं रहा, डे 3 हमारा, उसकी वजह थी कि हम लोगों ने आपको अगर वीडियो शुरू में बताया हो कि हम मालम जब आप पहुँचे थे वहाँ पर 9:15 पहुँचे थे, और हमारी जो चेयर लिफ्ट चलनी थी वो 10:30 बजे चलनी थी, और उसकी वीडियो ना लंबी होने की वजह यह थी, 2-3 वजूहत थी, एक तो आज इतवार है और दूसरा था आज इमरान खान साहब का जलसा, जिसकी वजह से जल्द मोटरवे पार करना था, क्योंकि हमें कल ऑफिसेज भी जाना है सारों ने अपने अपने काम पर, और जिसकी वजह से वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए। वहाँ से हम लोग 9:15 के निकले हैं, इस टाइम पर ऑलमोस्ट टाइम जो है 9 बज गए हैं, इनके 12 घंटे हो गए हैं। इस टाइम पर हम बेरा रुके थे, मैकडोनल्ड हम लोगों ने कर लिया टेस्ट, मैकडोनल्ड का हम लोगों ने बर्गर मंगवाया था, उसके अलावा जिप्स इस टाइम पर फ्राइज खा रहा है आसिफ, और इसका आई डोंट थिंक कि आप लोगों को रिव्यू चाहिए कि कैसा है या कैसा नहीं मैकडोनल्ड इसका, वैसे आप बता दें कैसा रहा आपका आज का दिन और ये मैकडोनल्ड वाला बर्गर। 9:30 पहले अभी स्टार्ट किया अपना डे 3, अभी बड़ी मुश्किल से पहुंचे जी मालम जब्बा उत्ते, उसे जाके पता लग जाए जी है जी चेयर वो चलेगी 10:30, लेकिन जी है तार से जरूर लटकने वाली, नाम तो मैंने नहीं आ रहा, जिप लाइन वो सी अज बंद, जिस अभी स्पैशल गया से 10:30 अभी कौन इंतजार कर रही, उत्तों से जलसा से जल्दी निकले ताकि टाइम टाइम अभी लाहौर वापस जा सके। अगे आए इमरान खान आ गया जलसा के बच्चे 3 घंटे हुए दिल्ली लोग बार अखबार होने के नाल अभी सुनी इमरान खान की तकरीर, उस तो बाद अभी फिर भीरे आ रुके, भीरे आ गए अभी मैकडोनल्ड खादा पीता पेट पूजा की, हूँ अभी अपने अपने घर। हाँ तो यहीं पर हम लोग वीडियो एंड करेंगे, और लाहौर पहुँच के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोगों ने हमारी 3 दिन की वीडियो देखी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान साहब, आसिफ साहब, वकार साहब, तमाम वो लोग जो हम लोगों की वीडियो में साथ साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया।